हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त विनोद कुमार कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिनेटोकर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम टाइटस सीजन 3 के एपिसोड नंबर 2 की स्टोरी को आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर वीडियो देखने के बाद आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत एक सीक्रेट लोकेशन पे होती है जहाँ पे गॉथम के क्रिमिनल्स की मीटिंग चल रही है और इसी बातचीत में हमें पता चलता है कि बैटमैन ने शायद जोकर को मार डाला है। और तभी इस मीटिंग के बीच में कोई शख्स एक बैग फेंक कर उसे खोलने के लिए कहता है, जिस पर कुछ क्रिमिनल्स अंधेरे में गोलियां चलाने लगते हैं, जिसके बाद वह शख्स उनमें से एक को मारते हुए अपीयर होता है और हमें पता चलता है कि वो रेड हुड है और फिर उनके पास पहुंचकर उनसे बैग खोलने को कहता है। और जब वो लोग उस बैग में पड़े सर को निकालते हैं तो तभी वहाँ पे एक दूसरा क्रिमिनल बोलता है कि वो उसकी बहन के बेटे का सर है। और फिर रेड हुड उन्हें ऑफर देते हुए कहता है कि मैं तुम लोगों को गौथम पुलिस आने वाले सभी खतरों से प्रोटेक्ट कर सकता हूँ और मैं ही वो शख्स हूँ जिसकी वजह से बैटमैन रिटायर हो गया है। चाहे तो रातों को आसमान को देखकर तुम ये महसूस कर सकते हो कि अब फिर से बैटमैन का सिग्नल नहीं दिखने वाला। अब बैटमैन का आतंक खत्म हो चुका है और तुम लोगों की प्रोटेक्शन की कीमत तुम्हारे कमाए हुए हिस्से में से 40% होगी और तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट करना चाहिए क्योंकि अब तुम लोग छप्पर फाड़ के पैसे कमाने वाले हो। और जैसे ही वो शख्स रेड हुड को गोली मारने वाला होता है, रेड हुड उसका काम तमाम कर देता है, जिसके बाद सभी लोग उसका ऑफर एक्सेप्ट करते हुए अपने बंदूक को निकाल कर डेस्क पे फेंकने लगते हैं। और फिर हम हॉक को कोलंबिया के वॉशिंगटन में पुलिस की जॉब करते हुए देखते हैं, जहां वो डॉन ग्रेंगर के साथ मिलकर क्रिमिनल्स को पकड़ने का काम करते हैं। और फिर हम डिक ग्रेसन को गौथम पुलिस हेडक्वार्टर में बारबरा गॉर्डन से मिलते हुए देखते हैं और डिक उसे बताता है कि लास्ट नाइट जब मैं सो रहा था तब ब्रूस वेन मेरे पास आकर यही बोलता है कि उसका और जोकर का सारा लफड़ा खत्म हो चुका है और मैंने उसे मार दिया है और मुझसे एक अच्छा बैटमैन बनने को कहकर वहां से चला जाता है। और उनकी बातचीत से हमें पता चलता है कि डिक ग्रेसन अब बैटमैन की जगह लेने के लिए तैयार है, जिस पर बारबरा उसे यही कहती है कि ये तो हमें फ्यूचर में ही मालूम चलेगा। और डिक ग्रेसन बारबरा को बताता है कि वो टाइटंस की टीम को गॉथम में बुला रहा है। और फिर रेड हुड को सिटी न्यूज देखते हुए पता चलता है कि टाइटन के सभी मेंबर गॉथम सिटी में आ चुके हैं। और फिर हम ब्रूस वेन के किले में डिक ग्रेसन के साथ साथ स्टार फायर, सुपर बॉय और बीस्ट बॉय के साथ साथ डॉन ग्रेंगर को भी देखते हैं, जहां डिक ग्रेसन सभी को चेतावनी देते हुए कहता है कि ये जगह सैन फ्रांसिस्को नहीं है, यहाँ पे बुरे से बुरे क्रिमिनल्स का राज है, लोग यहाँ पे मरते हैं और वो कोई आम आदमी नहीं होते हैं, वो हमारे जैसे लोग होते हैं और अब मैं किसी और को खोना नहीं चाहता। जहाँ डॉन ग्रेंगर उसका रिप्लाई देते हुए कहती है कि हम जानते हैं कि हम लोग किसके अगेंस्ट हैं और हम इन सब का मुकाबला एक फैमिली की तरह करेंगे। और जैसे ही बातचीत खत्म होती है, बारबरा गॉर्डन डिक ग्रेसन को फोन करके अपने ऑफिस बुलाती है और फिर वहाँ पहुँचने के बाद बारबरा उसे एन विलियम्स के बारे में बताती है और उसे एक नोट दिखाते हुए कहती है कि वो औरत नाइट विंग से मिलना चाहती है। और वो एक वीडियो दिखाती है जहाँ पे वो औरत रेड हुड को पहनकर एक जगह बम ब्लास्ट कर देती है। और फिर डिक ग्रेसन नाइट विंग के अवतार में उस औरत से मिलने के लिए जाता है, जहाँ वो औरत अपने हाथ पे लिखे एक फोन नंबर को दिखाती है, जिसके बाद डिक बारबरा की मदद से उसे कॉल करता है और उस कॉल की वजह से उसके हाथों में बहुत ज्यादा पेन होने लगता है और इसकी वजह से एन विलियम अपने आप को मार डालती है। और फिर बारबरा स्केयरक्रो के बारे में बताते हुए कहती है कि बैटमैन की वजह से स्केयरक्रो हमारे लिए एक कंसल्टेंट प्रोफाइलर का काम करता है, जिसकी वजह से हमने बहुत सारे क्रिमिनल्स को पकड़ा है और तुम्हें वहाँ जाकर इस केस के बारे में उससे कोई सुराग पता करना होगा। और इधर जब स्टार फायर डिक ग्रेसन की फैमिली की चीजों को देख रही होती है, तभी उसे फिर से विजन आता है और फिर टैमरानियन भाषा में बड़बड़ाते हुए वो किचन की तरफ जाती है, जहाँ उसे देखकर बीस्ट बॉय और सुपर बॉय भी उसके पीछे जाते हैं। और जब बीस्ट बॉय उसे बात करने की कोशिश करता है, वो उनपे आग निकालते हुए हमला कर देती है, जिसके बाद सुपर बॉय फूंक कर बीस्ट बॉय और खुद को बचाता है। और फिर हम डिक ग्रेसन को आर्कन के जेल में जाकर स्केयरक्रो से मिलता है। स्केयरक्रो डिक ग्रेसन से बातचीत करने के बाद उसे एक चेस मूव बर्ड्स ओपनिंग के बारे में बताता है और ये भी कहता है कि वो जो कोई भी है वो तुमसे कनेक्टेड है, जहाँ राजा साइलेंटली शैडो में मूव करता है और सैनिकों को आगे करके तबाही फैलाता है ताकि वो तुमसे दो कदम आगे रह सके। और ये सारे चेस मैनुअल्स उसी नोट में लिखे होते हैं जिसको बारबरा ने डिक को दिखाया था। और उसे स्केयरक्रो ये भी कहता है कि ये तो बस उसकी एक शुरुआत है और अपने हेडक्वार्टर में पहुंचकर चेस मूव के नंबर से उस लोकेशन का पता लगा लेता है। और जब ये सारी चीजें पता लगा रहा होता है, तभी उसके बीच हॉक उनकी टीम को ज्वाइन करता है और हमें आगे हॉक और डोब की बातचीत से पता चलता है कि अभी भी उनके रिलेशनशिप में कड़वाहट बरकरार है। और जब उस जगह तक पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो लोग अपना पहले ही काम करके जा चुके हैं
और तभी बारबरा गॉर्डन ऑनगोइंग बैंक रॉबरी के बारे में बताती है, जहां पर डिक और उसकी टीम पहुंचकर डिक बारबरा से यही कहता है कि तुम्हें अपनी पुलिस फोर्स को पीछे खींच लेना चाहिए और वो लोग जाकर उन्हें समझा बुझाकर इस चीज को रोकेंगे, क्योंकि डिक का मानना है कि वो लोग आम लोग हैं, ना कि कोई क्रिमिनल। जिसके बाद बारबरा अपनी पुलिस फोर्स को पीछे खींच लेती है और इधर सुपर बॉय उन पेरेंट्स के बच्चों को और बीस्ट बॉय बच्चों के पेरेंट्स को ढूंढ कर जैसे ही डिक को बताता है बैंक में रॉबरी कर रहे क्रिमिनल्स वहाँ पे बम ब्लास्ट करके सारे पैसे लेकर चले जाते हैं और ना चाहते हुए भी बारबरा गॉर्डन को उस बैंक के अंदर पुलिस फोर्स भेजनी पड़ती है। जिसके बाद डिक बारबरा गॉर्डन को यही समझाने की कोशिश करता है कि वो लोग उसके झांसे में आ गए थे, जिस पर बारबरा उससे यही कहती है कि बैटमैन के साथ ऐसा कभी नहीं होता था। जिस पर डिक ग्रेसन उससे यही कहता है कि जिसने भी ये किया है वो हमारे बीच फूट डलवाना चाहता है। जिस पर बारबरा उससे यही कहती है कि वैसे भी अब तुम्हारी एक गलती की वजह से मुझे तुम पे विश्वास नहीं रहा, और उसे जाते जाते ये भी कहती है कि ये सिटी मेरी है और ये मेरा जॉब है कि मैं इसे प्रोटेक्ट करूं, तुम्हारा नहीं। और फिर जब डिक हेडक्वार्टर पहुंचता है तो कोरी और बीस्ट बॉय चेस खेलते हुए सुपर बॉय की मदद से उस जगह का लोकेशन पता कर लेते हैं जहाँ पर रेड हुड हमला करने वाला है, और जब उस लोकेशन को सर्च करते हैं तो पता चलता है कि थोड़ी देर पहले ही किसी ने उस लोकेशन से पुलिस की मदद मांगी थी। जिसके बाद वहाँ पे पहुंचकर बीस्ट बॉय अपने असली रूप में आते हुए एक शख्स को डराता है, जहाँ कोरी उस शख्स के मशीन गन्स को फेल करते हुए उसके हमलों को रोकती है, और जब वो शख्स भाग रहा होता है तभी सुपर बॉय उसके सामने आ जाता है जिससे वो टकराकर वहीं पे बेहोश हो जाता है, और हॉक और डोब रेड हुड के आदमियों को मारते हुए डिक ग्रेसन का रास्ता क्लियर करते हैं। और फिर रेड हुड आकर डिक ग्रेसन से यही बोलता है कि मेरे हिंट देने के बावजूद भी इतने ज्यादा लेट हो गए, और फिर हम नाइटविंग और रेड हुड में छुप छुप कर गन फाइट होती है, और उसके बाद रेड हुड और नाइटविंग में मर्दों वाली लड़ाई होती है, और इसी मारधाड़ और फाइट के बीच नाइटविंग रेड हुड के मास्क को तोड़ देता है, और फिर हमें पता चलता है कि जेसन टॉड ही रेड हुड है, और वो डिक से कहता है कि ब्रूस ने मुझे बताया था कि तुम मेरे से ज्यादा इन खिलौनों का इस्तेमाल करने में माहिर हो, और डिक उसे देखकर पहचान जाता है, और जब डिक उसका नाम लेता है तो जेसन टॉड उसे कहता है कि वो अब रेड हुड है, और फिर जेसन टॉड डिक ग्रेसन पे गोलियां चलाते हुए वहां से भाग जाता है, और फिर डिक ग्रेसन गोलियों से बचते हुए अपनी जान बचाता है, और जब वो बाहर आके देखता है तो पता चलता है कि जेसन टॉड यहाँ से जा चुका है, और इस एपिसोड की कहानी भी इस शॉकिंग रिवील के साथ खत्म हो जाती है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।